वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 15 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 मार्च के सभी करंट अफेयर, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आज के करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र यानी वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो अभी हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र को बनाए जाने की घोषणा की गई है। अच्छा, ये किसके द्वारा बनवाया जाएगा? तो इसको जैन मुनि आचार्य हैं लोकेश जी, आप यह इमेज में देखिए, इनके द्वारा इस वर्ल्ड पीस सेंटर को बनवाया जाएगा। और जो हरियाणा में इसके लिए जमीन आवंटित की गई है, तो इसकी घोषणा करी है हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने। आप यह इमेज में देखिए, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, इस विश्व शांति केंद्र की स्थापना के लक्ष्य क्या है? तो मुख्यतः तीन लक्ष्य रखे गए हैं। युवाओं का व्यक्तित्व विकास करना, यानी इस विश्व शांति केंद्र की मदद से युवाओं के व्यक्तित्व का विकास किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जाएगा, यानी वुमन एम्पावरमेंट पर। ध्यान योग, भारतीय शैली एवं जैन शैली के माध्यम से बच्चों में संस्कार का विकास करना भी इसका मुख्य लक्ष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को 14 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस को एक और नाम से भी जाना जाता है, पाई दिवस या पाई डे। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी होती है मैथ में? 22/7, जिसका मतलब होता है 3.14। अच्छा, यह 14 तारीख को पड़ता है और तीसरे महीने में, इसलिए इसको पाई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो अभी आईपीएल टीम आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाफ डुप्लेसिस को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। 2022 में फाफ डुप्लेसिस आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खरीदे गए थे और इनको ही इस बार आरसीबी ने अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। इमेज में देखिए, ये है फाफ डुप्लेसिस। अच्छा, अब आईपीएल की बात आती है, तो आईपीएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आईपीएल के पहले सीजन का आयोजन कब हुआ था? वर्ष 2008 में। और 2008 में विजेता टीम कौन सी बनी थी? राजस्थान रॉयल्स। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अभी शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है, उनका निधन हो गया है। और 2008 में जब राजस्थान रॉयल्स ने यह आईपीएल का पहला सीजन जीता था, तो उस टाइम राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? शेन वॉर्न। आईपीएल 2021 की बात करें तो विजेता टीम कौन सी बनी थी? चेन्नई सुपर किंग्स। 2022 में आईपीएल का 14वां संस्करण आयोजित होगा, जिसका आयोजन भारत के 4 मैदानों में किया जाएगा। अच्छा, आईपीएल 2022 का स्पॉन्सरशिप किसे मिला है? तो इस बार आईपीएल 2022 के लिए स्पॉन्सरशिप मिला है टाटा ग्रुप को। इससे पहले वीवो ग्रुप के पास था, अब 2022 में आईपीएल का नया स्पॉन्सर बना है टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड्स 2022, बाफ्टा का क्या मतलब होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो द पावर ऑफ द डॉग ने बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। बाफ्टा अवार्ड 2022 का आयोजन लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया है। इन अवार्ड्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो बाफ्टा अवार्ड को ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बाफ्टा अवार्ड्स की शुरुआत कब से हुई थी? वर्ष 1947 से, और प्रत्येक वर्ष इन अवार्ड्स को दिया जाता है। अच्छा, इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की बात करें तो, जो अभी 2022 में दिए गए हैं, तो फिल्म ऑफ द ईयर किसे मिला है? पुष्पा को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है इंडियन फिल्म फेयर में? शेरशाह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रिलायंस रिटेल ने अभी बिग बाजार की जगह स्मार्ट बाजार को लॉन्च करने की घोषणा की है।
पहले रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार को फ्यूचर ग्रुप को लीज पर दे रखा था, लेकिन अब बिग बाजार को खुद चालू करने की घोषणा की है रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप की जगह, और नाम बदलकर अब इसका किया गया है स्मार्ट बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो अभी यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया है। अच्छा, इसको शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रसाद। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। एक और चीज आपको याद रखना है कि ये अभियान है किसके लिए। तो ये अभियान जो स्कूल ना जाने वाली भारतीय लड़कियां हैं उनको औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को लॉन्च किया गया है, यूनिसेफ के साथ लॉन्च किया है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ के प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? कैथरीन एम रसल। कौन है? कैथरीन एम रसल। अच्छा, आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और साथ में अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए किसका चयन हुआ है? तो अभी आरुषि वर्मा को जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए चयनित किया गया है। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आरुषि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरू की है? तो अभी HDFC म्यूचुअल फंड ने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल की शुरुआत की है। ये लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी हैशटैग है क्या? तो ये एक विशेष एंड टू एंड महिलाओं की नेतृत्व वाली सशक्तिकरण की पहल है, वित्तीय सशक्तिकरण की पहल है, जिसको अभी शुरुआत की है HDFC म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी ऋषभ पंत ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो कि 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कपिल देव का रिकॉर्ड था 30 गेंदों पर और अभी इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ऋषभ पंत ने, मात्र 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाया है हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? अभी MSME मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ, याद रखिएगा, समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। MSME मंत्री कौन है? नारायण राणे, और उनके द्वारा ही इसकी घोषणा की गई है। इस विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान का पर्पस क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2022-23 में महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया है? तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है। खेल महाकुंभ को वर्ष 2010 में शुरू किया गया था और इस बार यह 11वां संस्करण होगा खेल महाकुंभ का, और इस बार टोटल 46 लाख खिलाड़ियों ने खेल महाकुंभ में रजिस्ट्रेशन कराया है, और शुरुआत किसने करी है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हुई है? तो अभी कनाडा और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर फिर से बातचीत शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब यह कनाडा के साथ शुरू हुई है, तो मैप में देखिए, यह है कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है कनाडा, और जो कि सबसे लंबा तटीय सीमा वाला देश भी है। तो विश्व में अगर आपसे यह पूछे एग्जाम में कि विश्व में सबसे लंबा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा।
अच्छा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह भी कनाडा है। सबसे पहले नंबर पर है रूस और दूसरे नंबर का देश है कनाडा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो अभी भारत का राज्य है महाराष्ट्र, जो कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। यह ऐलान किसने किया है? तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजीत पवार, और उनके द्वारा ही यह जानकारी दी गई है कि वर्ष 2022 के एंड तक अब महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य हो जाएगा। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो मैप में देखिए ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोशियारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? उद्धव ठाकरे। उप मुख्यमंत्री कौन है? अजीत पवार। विधानसभा की सीटें कितनी हैं महाराष्ट्र में? 288। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? 78 सीट। राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 19, और लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? 48। तो इतनी जानकारी आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड याद रखनी है। अब आज के नॉलेज बूस्टर को देख लेते हैं। तो आज के नॉलेज बूस्टर में हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों की सूची। भारत में अभी तक टोटल कितने राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको याद रखना है कि टोटल 14 राष्ट्रपति, 3 राष्ट्रपति जो कि कार्यवाहक है, तो उनको आपको लिस्ट में नहीं काउंट करना है। अगर आपकी एग्जाम में पूछे कि भारत में अभी तक टोटल कितने राष्ट्रपतियों ने पूरा कार्यकाल सर्व किया है, तो टोटल 14 है, और 3 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद निर्वहन किया है। पहले नंबर पे राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कब से कब तक था? 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1970 तक। तो ये पहले नंबर के हो गए। दूसरे नंबर पे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे पे आपको याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 13 मई 1970 से लेकर 13 मई 1969 तक। अब यहाँ पे जो दो रेड में हैं, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो फिर आपको यहाँ से शुरू करना, चौथे नंबर पे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? वराहगिरी वेंकट गिरी। अच्छा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात कर ले तो वराहगिरी वेंकट गिरी जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो इनका कार्यकाल था 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक। मोहम्मद हिदायतुल्ला का कार्यकाल कब से कब तक था? 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 जुलाई 1969 तक। फिर से जब फुल टाइम के लिए ये राष्ट्रपति बने हैं वराहगिरी वेंकट गिरी, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक। फिर है फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल है 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। इसके बाद है बसप्पा धनप्पा जत्ती, इनको बीडी जत्ती भी के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल है 11 फरवरी से लेकर 25 जुलाई 1977 तक। फिर कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982। इसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह, इनका कार्यकाल कब से कब है? 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, मैं नाम आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद है रामास्वामी वेंकट रमन, तो इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक। शंकर दयाल शर्मा का कब से कब तक है? 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। फिर है के आर नारायण, इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, इसके बाद है प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और प्रेजेंट टाइम में जो 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो ये 25 जुलाई 2017 से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने 15 मार्च के सभी करंट अफेयर को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ में इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दिया करो। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।